पावन आश्विन मास के नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। पंचकुला के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी मंदिर में दर्शन के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना संकट को देखते हुए विशेष एहतियात भी बरते जा रहे हैं। माता मनसा देवी मंदिर विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पावन आश्विन मास के नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। पंचकुला के विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां मनसा देवी मंदिर में इसके लिए विशेष तैयारियां कर ली गई हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से कोरोना काल को देखते हुए विशेष एहतियात भी बरते जा रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए राहत की बात यह है कि पावन नवरात्र में वो मां मनसा देवी के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन संख्या सीमित रहेगी। दर्शनों के लिए भक्तों को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। प्रतिदिन वही श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे जिनको टोकन नंबर मिलेगा। हम इस वक्त मौजूद हैं MS यादव जो यहाँ के CEO हैं माता मनसा देवी के, उनसे बातचीत करेंगे। यादव साहब, आपके क्या प्रबंध रहेंगे? यहाँ पर कोरोना का काल चल रहा है, कैसे लोगों को यहाँ आने की छूट मिलेगी, क्या व्यवस्था रखी गई है? देखो, जब 8 जून को ये हमारा जब खुला था मंदिर लॉकडाउन के बाद, तो उसी टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुछ SOPs आई थी। वो SOPs आज भी ऑपरेटिव हैं। उनमें यही था कि जितने भी आदमी जो आएंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और अपना मास्क लगाएंगे। उसके बाद जो ही वो अंदर परिसर में आएंगे तो उनके हाथ पैर धुलवाने हैं साबुन से, उसके बाद में उनकी थर्मल स्कैनिंग करनी है। फिर जो ही वो मेन श्राइन के पास आएंगे तो सबके हाथ हमने सैनिटाइज करवा रहे हैं। तो वो पहले हमारा 4500 का अरेंजमेंट था, अभी हमने नवरात्रों को देखते हुए 11000 का प्रोविज़न कर रहे हैं। पहले हम 40-40 मिनट हर एक को सेकंड देते थे, अब हम 10-10 सेकंड एक आदमी को देंगे। दो लाइन चलेंगी हमारी, इसलिए सवेरे से शाम तक, सवेरे 6 बजे से रात के 9:45 बजे तक 11000 के आसपास हमारे आदमी आ जाएंगे। यादव साहब, इस बार क्या जो लोग हैं वो सीधे जैसे पहले दर्शन करने आते थे वैसे ही आएंगे, या कुछ ना कुछ प्रबंध अलग किए गए हैं, ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था की गई है? मैं वही कह रहा था ना आपको कि हमारे जो ही 8 जून ऑनवर्ड्स और अब तक हमने 4500 लोगों को ऑनलाइन दर्शन के जो है वो प्रबंध हमने किए हुए थे। टिकट लेकर के वेबसाइट पर जाओ, टिकट लो, टिकट लेकर के फिर यहाँ आओ। अब हमने उनको 11000 कर दिया है, लेकिन टिकट जो है लेने के बाद ही हमारे यहाँ पे दर्शन होंगे, वैसे नहीं होंगे। पंचकुला के विश्व प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर अटूट आस्था का केंद्र है। इस मंदिर का इतिहास बड़ा ही प्रभावशाली है। मान्यता है कि जिस जगह पर आज मां मनसा देवी का मंदिर है, यहां पर मां सती के मस्तक का अग्रभाग गिरा था। माता रानी के नवरात्रे आने वाले हैं, इस वक्त हम मनसा देवी में मौजूद हैं, बातचीत करेंगे पंडित जी से। पंडित जी, माता मनसा देवी एक सिद्ध खंडपीठ है, इसके थोड़ा सा इतिहास की जानकारी दीजिए। शक्तिपीठ है, सिद्ध शक्तिपीठ। माता मनसा देवी जो है ये सिद्ध शक्तिपीठ है, और इसके इतिहास के बारे में जानकारी दीजिए। महाराजा दक्ष ने जब यज्ञ किया था तो उसमें शिव और पार्वती को निमंत्रण दिया था। क्षुब्ध होकर, नाराज होकर माँ पार्वती ने उस यज्ञ कुंड में अपने आप को आहूत कर लिया था। भगवान शंकर को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने पार्वती की देह को उठा के जगह जगह जो है ब्रह्मांड में विचरण करा। वो अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ उस सिद्ध शक्तिपीठ की उत्पत्ति हुई। माता मनसा देवी में मस्तिष्क का अग्रभाग गिरने से ये माता मनसा देवी की उत्पत्ति यहाँ हुई है। माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्ति पीठों का। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्ति पीठ पर बने मंदिर का निर्माण मनी मांजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना को पूरा होने पर आज से लगभग 250 साल पहले 4 साल में अपनी देखरेख में सन 1815 में पूर्ण करवाया था।
आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व महाराजा गोपाल सिंह ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। तब से लेकर आज दिन तक इसकी ख्याति देश विदेश बहुत दूर दूर तक पंजाब हरियाणा हिमाचल और दिल्ली तक के श्रद्धालु यहाँ बड़ी श्रद्धा से आते हैं। जो भी श्रद्धालु यहाँ 40 दिन लगातार माता के पूजा अर्चना करता है, माता रानी उसकी मनोकामना जो है पूर्ण करती है। इन नवरात्रों का जो है शारदीय नवरात्रों का विशेष महत्व है। शरीर में जो शक्ति का संचय करने के लिए ये जो शारदीय नवरात्र हैं इनका विशेष महत्व है। उससे जो है रोगों से लड़ने की जो क्षमता वो बढ़ती है। शारदीय नवरात्रों में महारानी के व्रत करने से हम भिन्न प्रकार के रोग शोक मानसिक संताप से मुक्त हो सकते हैं। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें माँ का स्वरूप ही माना जाता है। ये तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी और सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णवी देवी, भैरव की मूर्तियां एवं शिवलिंग स्थापित है। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन किया था। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरने के साथ ब्यूरो रिपोर्ट MH1 प्राइम।